तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो बेसिकली। अगर ये क्या कहते हैं, पार्टिकल मूव इन ए प्लेन विथ वेलोसिटी वी, ये वाली जो वेलोसिटी है, ध्यान देना, ये वेलोसिटी पार्टिकल एक प्लेन में चल रहा है, चलो मान लेते हैं वो किसी कर्व पाथ पे ऐसे चल रहा होगा, ठीक है ना। इससे मुझे मतलब नहीं है, बट ये जरूर है कि यहाँ इफ द पार्टिकल वॉज एट ओरिजिन टाइम जीरो पर, पार्टिकल ओरिजिन पर, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द टी टाइम, अगर कुछ समय बाद अगर मैं पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालूँ तो मैं कैसे निकालूंगा यार। तो चलो जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर चलो मान लो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम अपना ये एक्स है और ये वाई है यार, ठीक है ना। दिस इज एक्स, दिस इज वाई। तो अगर पार्टिकल इस एक्स वाई प्लेन में चलो ओरिजिन पे था, और चलो मान लेते हैं किसी कर्व पे ऐसे चल रहा है, तो ये पॉइंट पी है, पॉइंट पी है, तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है जब टाइम टी हो चुका है, और इस टी की वैल्यू कितनी है, 3π/2, ठीक है ना, 3π/2। और जब पार्टिकल यहाँ था, जब समय कितना था यार, जीरो, तो पार्टिकल ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो टी टाइम बाद अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो सिंपली डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी, पॉइंट पी तक सीधा एक स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दे देगा, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। और इसको निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक्स वाई वाली डिस्प्लेसमेंट पता होनी चाहिए, दिस इज द वाई, और एक्स में डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए, दिस इज द एक्स। तो जो डिस्प्लेसमेंट का लॉजिक डेवलप हो गया वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, ये अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यही काम हमें इंप्लीमेंट करना है बच्चों, ठीक है। टी टाइम बाद हमें पार्टिकल का क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो टी टाइम बाद एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, ये बात आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले जो वेलोसिटी दिया था, जो वेलोसिटी वेक्टर वी यू था, वो कितना था, यू नॉट आई टाइम डिपेंडेंट प्लस ओमेगा ए, और यहाँ से कॉस ओमेगा टी, और यहाँ से जे कैप। इसका मतलब ये हुआ, इस वेलोसिटी को तुम लिख सकते हो वी एक्स प्लस बी वाई, टू डायमेंशनल वेलोसिटी है, ठीक है। तो जो वी एक्स आ जाएगा, बी एक्स आ जाएगा, वो तो कांस्टेंट है, यू नॉट है, तो इस बी एक्स को मैं लिख सकता हूँ डी एक्स ओवर डी टी, दैट इज यू नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि डी एक्स ओवर यू नॉट, यहाँ से यू नॉट डी टी, अगर मैं दोनों साइड यहाँ इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जब समय जीरो था तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ जीरो था, ओरिजिन पे था, तो ये आ जाएगा यू नॉट टी। तो यू नॉट टी जो है इंस्टेंटेनियस कोऑर्डिनेट आ गया, टाइम डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलरली मुझे क्या निकालना है बच्चों, सिमिलरली मुझे टाइम डिपेंडेंट वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। तो अगर मैं वाई कोऑर्डिनेट निकालूँ, तो वाई वाली वेलोसिटी कित कहाँ है यहाँ पे, तो वाई वाली जो वेलोसिटी है वी वाई, उसकी वैल्यू यहाँ पे ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी है यार, ठीक है। तो इस वाई को मैं लिख सकता हूँ डी वाई, और डी टी को इधर मैं लिखा ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, और ये डी टी। अब मैं इसमें प्रॉपर लिमिट लगा के इंटीग्रेट करूँगा, तो इधर मिलेगा अपन को वाई, इधर मिल जाएगा बच्चों, इधर मिल जाएगा वाई, और इधर मिलेगा ओमेगा ए कॉस का इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी, और डिवाइडेड बाई ओमेगा, ठीक है ना। ये ओमेगा इस ओमेगा को खत्म हो जाए, मतलब वाई कोऑर्डिनेट जो फंक्शन ऑफ टाइम जो है वो ए साइन ओमेगा टी, ये वाला हमें मिल गया जो कि हमें चाहिए था यार, ठीक है। चलो अब हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट डी चाहिए, तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन का यूज करूंगा, और ध्यान रखना यहाँ समय कितना दिया था, तो टाइम जो दिया था टी टाइम बाद, उस टाइम की वैल्यू कितनी थी, 3π/2ω, ये बात याद रखना है। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लिखूं, तो डिस्प्लेसमेंट यू नॉट टी का स्क्वायर और प्लस ए साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें ये जो टाइम दिया था, जिस वक्त हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए था, उसकी वैल्यू मैं डाल देता हूँ, तो यू नॉट और यू नॉट का स्क्वायर और टी का स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा 3π/2ω का होल का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ से साइन ओमेगा, और टाइम की वैल्यू यहाँ 3π/2ω, यहाँ से 2ω, तो ओमेगा ने यहाँ से ओमेगा को ख़त्म कर दिया, यहाँ साइन स्क्वायर, और ये सब कुछ अंडर रूट आ जाएगा। तो अगर फाइनली तुम यहाँ से देखोगे साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन 2π/, यहाँ से तुम देखोगे ओमेगा ने ओमेगा को ख़त्म कर दिया, साइन स्क्वायर 3π/2 साइन 1 होता है,
तो जब 3π/2 होता है, ये 3π u0/2ω का होल स्क्वायर और प्लस a का स्क्वायर अंडर रूट, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो ये वाली हमें डिस्प्लेसमेंट होगी, मतलब ये देखो 3π ω और 2, मतलब हमारा ए ऑप्शन मैच कर जाता है। आई होप कि आपको मज़ा आ गया होगा समझ के। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।